हम दोनों कुछ नहीं जानी, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, तो आपका इंतजार करियो। प्लीज मुझसे झूठ मत बोलो, तुम एक बार पहले भी मुझसे झूठ बोल चुकी हो और तुम जानती हो मैं कितना गुस्सा हुआ था, क्योंकि तुम जानती हो कि मुझे झूठ से कितनी नफरत है। प्लीज मुझे सब कुछ सच सच बता। जैमी, हमारी अजमेर जाने की एक और वजह थी, हम चाहते थे कि अल्लाह मियां हमें रहनुमा करे। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, जब हमें ये पता चला कि हम मां बनने वाले। हमें लगा था कि हम दोनों एक हो जाएंगे। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। क्या हुआ मिस्टर खान? आप हमेशा के लिए चली गई थी ना, वापस क्यों आई? क्या कह रहे हो असद? क्या हुआ क्या तुम्हें? पता नहीं अम्मी, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मिस फारूकी इसी वक्त इस घर से दूर चली जाए। मुझसे दूर चली जाए। मैं किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। मैंने फैसला ले लिया एंड आई वांट यू टू एक्सेप्ट इट। प्लीज प्लीज मुझसे दूर चली जाइए। क्या बकवास कर रहे हो तुम असद? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मैं ऐसा ही हूं, मेरे लिए जो मायने रखते हैं मैं उन्हें अपनी जिंदगी से बेदखल कर देता हूं, सब कुछ बर्बाद कर देता हूं, क्योंकि मैं ऐसा ही हूं। और इस वक्त भी मैं ऐसा ही कर रहा हूं। मैं जोया से निकाह नहीं कर सकता। मिस्टर खान, अभी कुछ वक्त पहले सब कुछ ठीक था, अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप उनसे निकाह नहीं करना चाहते? बताइए मिस्टर खान, ये मेरा हक है। अजान प्लीज कुछ तो बताइए, हुआ क्या है? खुदा के लिए कुछ तो कहो असद। उस दरवाजे से सिर्फ असद बाहर नहीं गया है, तुम्हारा अच्छा वक्त भी बाहर गया है जोया। गया हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता।
कि अब तक तुम्हें इसकी आदत पड़ गई होगी। अब जैमी कोई पहली बार तुम्हें दुल्हन बनी हुई छोड़कर तो नहीं गया है, ऐसा तो पहले भी हो चुका है। हमने तुम्हारी निकाह की पहले वाली रात को कायम किया था, क्या याद दिलाए? अब तुम्हारी बेहतरी इसी में है जोया कि तुम अपनी हार मान लो, क्योंकि जीत तो हम चुके हैं जोया। मन से ना से लेकिन तन से तो असद को अपने कामों में कर ही चुके। में जरूर कोई राज की बात है। जी हाँ, जैसे हम बचपन में कहानियां सुनते थे ना कि राक्षस के प्राण तोते में बंद होते हैं, वैसे ही इस अलमारी के अंदर ऐसी कोई तो चीज है जिसमें आपकी मामी जी के प्राण फंसे होंगे। तो चलो फिर इसे खोल के देखते हैं। बेटा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, हम अंदर हैं। पर इसे खोलेंगे कैसे, इस पे तो ताला लगा हुआ है। दीदी चाबी से। भी औरत को गाली देने जैसा है। तुम जैसी लड़की मिस्टर खान को पाने का ख्वाब भी कैसे देख सकती? एक बात समझ लो तंदीर, मिस्टर खान मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। लेकिन तुम्हारे मिस्टर खान ने उस रात कुछ नहीं हुआ था, ये तुम भी जानती हो और ये मैं भी जानती हूँ। तुमने ही कोई जाल बिछाया होगा उस रात, और आज भी मिस्टर खान को निकाह के लिए मना करने के लिए तुम्हें कुछ कहा होगा। लेकिन बस अब और नहीं। और हाँ, किस चीज की बात करती हो तुम? हाँ, तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि तुम जीत गई? अगर मैं हारी होती ना तंदीर, तो आज यहां सही सलामत तुम्हारे सामने ना खड़ी होती। कुछ नहीं किया तुमने मुझे मारने के लिए, दीवार में चिनवा दिया मुझे, पहाड़ी से धक्का दे दिया, लेकिन हुआ क्या? मेरे मुकद्दर में हार होती ना तो वो मुझे हर बार ऐसे नहीं बचाता। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।